14 कारण दिए हैं, आप वो कारण पढ़ सकते हैं, indiaspeaksdaily.com पे है, उपलब्ध है, कि चाह कर भी भाजपा को वोट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ हिंदू समाज के साथ धोखा किया है बल्कि भारत एक राष्ट्र के साथ भी उसने द्रोह किया है। और उस पर मेरी एक पुस्तक भी आ रही है जिसके लिए मैं रात दिन लगा हुआ हूं, कि भारत माता कहते कहते भारत माता का चीरहरण कर लिया, भारत माता कहते कहते भारत माता की जमीन चीन को दे दिया, भारत माता कहते कहते विदेशियों के हाथे हाथ भारत की संप्रभुता नीलाम कर दी, भारत माता कहते कहते भारतीयों का, जो भारत के लोग हैं, भारतीयों की जिंदगी को बिल गेट्स के हवाले कर दिया, ऐसा व्यक्ति भारत माता के सेवा करने लायक नहीं है ऐसी सरकार। और करप्शन में तो ऊंचाई ही है, और हिंदू द्रोह तो सबसे बड़ा है, हिंदू बच्चों की नौकरी छीनकर मलच्छों को देने वाली भारत की ये पहली सरकार है, और हिंदुओं के साथ जो द्रोह करके आरएसएस और संघ ने गठबंधन किए हैं, वो पुस्तक, ये पुस्तक वो उदाहरण है। बड़ी बारीकी से मैं आजकल इसको पढ़ रहा हूं, कभी इस पे श्रृंखला करूंगा, मीटिंग ऑफ माइंड, मोहन भागवत द्वारा लोकार्पित, इंद्रेश कुमार द्वारा लिखवाई गई और ख्वाजा इफ्तार अहमद द्वारा लिखी हुई, जिसमें हिंदुओं से उनके धर्म छोड़ने को कहा जा रहा है। तो ये कारण बहुत बड़ा है कि हिंदू समाज इस पार्टी को वोट आउट करे। लोग विकल्प पूछते हैं, जहां जहां 28-30 जगह पे एकम है, वो एकम आपका विकल्प है, जहां आपको कोई भी विकल्प इस पार्टी, इस नेता से बेहतर है, ये मैं आज आपको कह रहा हूं, कोई भी विकल्प, एक्स वाई जेड, किसी ने इतने बड़े संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं किए जो इस सरकार ने किए, किसी ने भारत की भूमि को इतना बड़ा टुकड़ा चीन को नहीं दिया जो इस सरकार ने दिए, किसी के शासन में भारत पड़ोसी विहीन नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ, किसी के शासन में कश्मीर अरब कंट्री का उपनिवेश नहीं बना जो इस शासन में हुआ, किसी भी शासन में इतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितना इस शासन में तोड़ा गया, किसी भी शासन में इतने हिंदुओं के गले नहीं कटे जितना इस शासन में हुआ, किसी भी शासन में सरकारी नौकरियों में इतने मलच्छ नहीं भरे गए जितना इस शासन में हुआ, इतना काफी है एक हिंदू के लिए, वोट आउट बीजेपी, बीजेपी को बाहर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।